नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों वो जमाना पुराना हो गया जब खेती केवल जीवी का चलाने का साधन थी आज खेती व्यवसाय का रूप ले चुकी है ग्रामीण परिवेश में तो खेती होती है लेकिन एक नया विषय है शहरी खेती और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेश पांडे आप एसोसिएट प्रोफेसर और डीन हैं एग्रीकल्चर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में नमस्कार डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए ये शहरी कृषि है क्या किसान भाइयों सबसे पहले तो शहरी कृषि की अगर हम बात करें तो शहरी कृषि में एक सिर्फ शहरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है बाकी कृषि तो जो पुराने परिवेश में होती थी वही है लेकिन जब शहरी शब्द का इसमें समावेश हुआ तो हमें गौर करना होगा कि जो शहरी शब्द है इसका मतलब कि जो भारत की अपने आबादी है उसमें लगभग 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में अभी निवास कर रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा समय अपना शहरों में बिताना पड़ रहा है जो कि समय बिताने के दौरान या शहरी क्षेत्रों में रहने के दौरान जो करीब 80 परसेंट जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका उपभोग करते हैं तो हमें शहरी कृषि को इस माध्यम से समझना होगा कि हमारी जो पारंपरिक खेती है उसी में हमारी हमारे शहरों में जो खाद्यान्न की ज़रूरत है वो किस प्रकार की है और कब कब है उनकी क्या आवश्यकता है तो उसके आधार पे हम शहरी कृषि की एक संरचना को तैयार करके देखते हैं इसमें इसमें अगर हम बात करें कि शहरी कृषि किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए अभी उपयोगी है तो उसमें भी हम देखेंगे कि अभी जो है पद्धतियाँ जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है कृषि में और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं खासतौर पे जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र हैं या ग्रामीण जो शहरी समावेशित क्षेत्रों की आबादी से सटे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए आ, हमारा यही कहना है कि उनको अब इस पद्धति को अपनाने में ज़रा भी परहेज नहीं करना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा शहरी कृषि में वो कैसे आगे आ सकते हैं इनमें कौन कौन से नए आयाम को स्थापित कर सकते हैं और उसके माध्यम से वो कैसे अपना आ, आ, जो है लाभ लाभ ले सकते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब जैसा कि अभी ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में पलायन बढ़ा है इसलिए काफ़ी जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास कर रही है ऐसे में शहर में यदि लोगों के पास ज़मीन है तो उनको शहरी कृषि की तरफ बढ़ना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने जैसा बताया कि शहरी कृषि जो है एक तरह से हम आम, आम भाषा में कहें तो शहर के पास खेती हुई बिल्कुल इसके अलावा डॉक्टर साहब शहरी खेती में किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या समावेश समावेशित है इसके बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी दीजिए किसान भाइयों शहरी खेती में अगर हम शहर के आसपास के जो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर शहर में बहुत ऐसी भी ज़मीनें हैं जो कृषि भूमि हैं लेकिन वो उनपे पुरानी पद्धति की खेती हो रही है जिससे लाभ उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है शहरी खेती में हम आ, अगर हर स्तर को कृषि के हर आयाम को अगर हम छूना चाहें तो उसमें हमारा चाहे वो पादप उत्पादन हो या फिर हमारा मधुमक्खी पालन हो या फिर हमारा पशुपालन से संबंधित या फिर हमारा जो भी जलीय पालन है उसमें मत्स्य पालन हो गया वो हो हमारा पुष्प उत्पादन हो या फिर हमारे औषधीय सगंध पौधे जिनसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं वो था हैं जिनमें या फिर हम कुछ जो हमारे पेरिसेबल आइटम्स हैं जिनको हम बोलते हैं जो आ, जल्दी खराब हो जाते हैं जो तो, जल्दी खराब हो जाते हैं जिनको किसान भाई कम समय तक रख सकते हैं अपने पास में उनकी खेती हो क्योंकि अगर पास में है बाजार उनके पास में है तो वो ऐसी चीज़ों की खेती कर सकते हैं जिनकी मांग तो बाजार में ज़्यादा है लेकिन उनको जल्दी खराब होने का खतरा है जी तो उस तरह की खेती अगर किसान भाई करें तो उनको बाजार से ज़्यादा लाभ हो सकता है और उनकी खेती हमेशा फ़ायदे में रहेगी तो किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया मछली पालन हुआ इसके अलावा और भी पशुपालन है केवल सब्जियों की बात नहीं है सभी तरह से खेती इसमें किसान भाई कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया मांग का भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है डिमांड का इस बारे में और किसान भाइयों को बताइए कि किस तरह से वह ये पता कर सकते हैं कि क्या डिमांड है मार्केट में ताकि उनको नुकसान ना हो काफी अगर हम एक दशक पीछे की बात करें तो जो बाज़ार की मांग थी वो कुछ कह सकते हैं कुछ दायरे में सीमित थी अभी अगर हमारे आसपास के किसान भाई पुरानी पद्धति में ही चल के अगर वो सिर्फ़ मूली की खेती कर रहे हैं अगर हम सब्जियों की बात करें तो उनमें अगर वो सिर्फ मूली की खेती कर रहे हैं या सिर्फ वो जो है मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उनको अब बाज़ार की मांग को समझना होगा कि अब जो शहरों की बाजार है उनकी जो मांग है वहाँ पर अब शिमला मिर्च में अगर हम बात करें मिर्च में तो शिमला मिर्च शिमला मिर्च में भी सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च नहीं उसकी जगह पर जो पीली शिमला मिर्च है लाल शिमला मिर्च है इनकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हमारे बाज़ार में अभी ऐसी भी सब्जियां उपलब्ध हैं जिनको हम बोलते हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जी या फिर जो बाहर से मंगवाई जाने वाली सब्जियां हैं जिनका हम बाहर से आयात करते हैं आयातित सब्जियां। आयातित सब्ज़ियों में भी हम आ, हमारी जो है रेड कैबेज हो गई ब्रोकली है तो इन सब की खेती ऐसा नहीं है कि किसान भाई नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ ही हैं इनमें इन सारी चीज़ों की खेती करने के लिए अब किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा आगे आके करना पड़ेगा और अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको बहुत ही अच्छा इसमें मुनाफा होगा तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें बाज़ार की मांग का ध्यान रखना है कि बाज़ार में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं किस तरह की सब्जियां चाहते हैं जैसा कि आपने आयतित सब्जियों के बारे में कहा जी डॉक्टर साहब आपने इसके साथ ये भी बताया जल्दी ख़राब होने वाले जो पदार्थ हैं जी या जो फसलें हैं वो किसान भाई उगाते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह मार्केट में पास होने के चूँकि शहर के नज़दीक की ये खेती है तो बड़ी आसानी से वह मार्केट तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि शहरी कृषि नए शब्द हैं ये दो नए शब्द हैं या फिर भारत की सक्रियता इसमें बहुत पुराने समय से है देखिए परिकल्पना तो शहरी कृषि की आ, उस समय से है जब भारत में एक तरह से शहरीकरण का प्रारंभ हुआ अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं, तो मध्यकालीन समय में भी जब 1600 सौ ईस्वी के आसपास जब शेरशाह सूरी ने जिस समय ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड के नाम से है उसको बनाने की शुरुआत की तो वो एक शहरी परिकल्पना थी उस समय से बाजारीकरण की शुरुआत हुई जहाँ पर ग्रामीण परिवेश से लोगों का पलायन शहर की तरफ ज़्यादा होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय लेकिन वो चीज़ें उनमें जो मांग और पूर्ति इन दोनों के बीच में जो एक खाली जगह रह गई जी उस खाली जगह को और तेज़ी से सत्तर के दशक अभी अगर हम बात करें साठ के दशक में सत्तर के दशक में सन निन्यानवे तक जो है उन चीज़ों की गैप फिलिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाई वो जो रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई लेकिन अगर हम सन 2000 बाद के बाद की बात करें जी। तो जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ा है जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए आ, भारत सरकार आ, के जो अभी नेशनल एक्शन प्लान आए हैं वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उनमें आठ कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है जो ग्रीन जोन का कार्यक्रम जी तो ग्रीन जोन का मतलब ही यही है कि वो जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आवश्यक चीज़ें हैं जो उनमें सुधार के लिए की जा सकती हैं या फिर हरित पट्टिकाओं का निर्माण हो गया शहरों में या फिर शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित कैसे किया जाता है कैसे किया जाना है वन आच्छादन भी इसमें है और इसी में समावेशित अपनी बागवानी है इसी में समावेशित पशुपालन है इसी में अपना जो है मत्स्य पालन है इसी में जो पुष्प की खेती से संबंधित क्रियाएं हैं वो हैं और इसी के साथ में एक समावेशित जो क्षेत्र है वो है बाजार कृषि बाजारीकरण का तो सबसे पहले अगर किसान भाई इस क्षेत्र में उतर रहे हैं तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि हम पहले बाज़ार की मांग को समझें और अगर हम सौ किलो मान लीजिए कि सौ किलोमीटर के दायरे में भी अगर अपना कोई किसान भाई है जो आराम से शहर तक पहुंच सकता है दो या तीन घंटे में या चार घंटे में उन किसान भाइयों को ऐसे किसान भाइयों को उस तरह की खेती अपनानी है अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन मुझार जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म? अच्छा ये बात है <laughs> आ, क्यो? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता तो डॉक्टर साहब आपने बताया जितना पुराना इतिहास जीटी रोड का है उतना ही पुराना इतिहास शहरी कृषि का है बिल्कुल सुनने में अब आ रहे हैं ये शब्द लेकिन इतिहास बहुत पुराना है डॉक्टर साहब शहरी कृषि हमने पता किया कि है क्या इसके अलावा इसमें क्या क्या हम समावेशित कर सकते हैं क्या क्या हमारे किसान भाई कर सकते हैं वह भी आपने बताया साथ में भारत की सक्रियता भारत की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में भी बताया डॉक्टर साहब अब शहरी कृषि के बारे में यह भी बताइए कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है महत्वपूर्ण तो आ, किसान भाइयों के लिए इसलिए है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि हमें जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जी जो सीमावर्ती शहरों के जो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र परिचेत्र हैं और उसमें जिन किसान भाइयों के पास में जोत है जो अभी कृषि कर रहे हैं उनको सीधा हमारा कहने का मतलब ये है कि उनको सीधा मुनाफा हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कैसे पहुँचा सकते हैं बिल्कुल चाहे वो आ, हमारा शासन के स्तर का आ, कोई भी कार्यक्रम हो जो कृषि से संबंधित हो कोई भी ऐसी योजना हो सरकार की कोई भी योजना है तो अब वो इस चीज़ को ध्यान में रख के क्रियान्वित हो रही है कि उससे हम हर स्तर के किसान को फ़ायदा कैसे पहुंचाएं बिल्कुल उसमें अगर हम बात करें शहरी कृषि की तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे जो जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र के किसान भाई हैं जो जिनकी पहुंच है कि जो तीन चार घंटे में शहर तक पहुंच सकते हैं जी उनके लिए ये सबसे उपयुक्त है कि वो जो है शहरी कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो उनका भी एक मानसिक जो है एक पटापेक्ष होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों का उत्पादन करना है जी अगर उनके पास में जोत ऐसी है कि वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में अगर अनाज उत्पादन हो सकता है तो अनाज उत्पादन में भी अभी उनको ध्यान में रख के चलना है कि अगर हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो ऐसे अनाज जो मोटे अनाज हैं जो बहुत ही गुणवत्ता परक अनाज हैं उनका वो उत्पादन करें उसके अलावा अगर वो बागवानी में आते हैं तो बागवानी में जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आयातित हैं और आयाती चीज़ें अगर हमारे जलवायु के हिसाब से हो रही हैं और वो काफ़ी चीज़ें संभव हैं क्योंकि किस्में नई नई निरंतर नई नई किस्मों का जो है एक समावेश होता जा रहा है नई नई किस्में आ रही हैं तो उनको अगर किसान भाई अपनाएंगे तो उसके माध्यम से वो बाज़ार की मांगों को पूरा कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है दूसरा हम इस पर आएंगे कि अगर वो पशुपालन से संबंधित हैं जी तो पशुपालन के साथ साथ फिर उनको एकीकृत कृषि पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा जी अगर वो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं तो दुग्ध उत्पादन करें उसके साथ साथ उनको अगर गौवंश से उनको गोबर मिल रहा है तो गोबर से वो फिर वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें इस तरफ भी उनको सोचना चाहिए तीसरा उससे ही संबंधित है कि वहाँ पर वो एक और कोई यूनिट लगा सकते हैं बकरी पालन भी साथ में कर सकते हैं कुक्कुट पालन भी साथ में कर सकते हैं मत्स्य पालन को भी साथ में कर सकते हैं अगर वो औषधीय या सगंध पौधों की इच्छा रखते हैं तो बाज़ार में उसकी भी ढेरों मांगे वो औषधीय एवं सगंध पौधों में उत, के क्षेत्र में उतर के उसका उत्पादन कर सकते हैं आधुनिक जो भी जड़ी बूटियाँ आजकल बन रही हैं या आयुर्वेद पद्धति में जिन जड़ी बूटियों की मांग है अगर वो उसका उत्पादन करके अगर उसकी सप्लाई को पूरा कर रहे हैं तो उससे भी उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया शहरी कृषि के बारे में यदि शहरी परिवेश के किसान आसपास के किसान शहरी कृषि को अपनाते हैं तो उनका आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर जो है वह सुधर जाएगा बिल्कुल डॉक्टर साहब अब इस स्तर को सुधारना है तो बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है शहरी कृषि को बढ़ावा देना है देखिए बढ़ावा देने के लिए दो तीन स्तर हैं उन पे हमें पहल करनी होगी पहला तो पर्यावरणीय स्तर पे एक पहल करनी होगी जी. कि हमें जलवायु को समझना होगा और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ही किसान भाइयों को तैयार होना पड़ेगा खेती करने के लिए थोड़ा सा जिस तरह का मौसम है उसी के अनुरूप रहे कोई टाइम को फिक्स नहीं कर सकते हैं किसान भाई अब बदलते परिवेश में दूसरा ये है कि एक स्थानीय स्तर पर पहल होनी चाहिए स्थानीय स्तर पर व्यापक पहल हो सकती है कि जिन चीज़ों की मांग अभी ज़्यादा बढ़ रही है किसान भाई भी आजकल बहुत सारे किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं तो ऐसे उत्पादक संगठनों का एक समावेश करके और अपनी खेती को एक आयाम दे सकते हैं कि जिसमें हम अगर सिर्फ उत्पादन की बात करें तो पुष्प उत्पादन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जैसे गेंदा है गेंदे का फूल है जी आसानी से उष्ण सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो सकता है हो ही रहा है जी। उसकी मांग जो है साल दर साल बनी रहती है उसके साथ साथ ऐसे और भी फूल हैं जैसे ग्लेडियोलस का फूल है जी ग्लेडियोलस की मांग शहरों में वो चाहे गुलदस्ते के रूप में देना हो या फिर जो है कोई भी कार्यक्रम होता है कोई भी सामूहिक आयोजन होता है तो वहाँ पर उसकी मांग लगातार बनी रहती है तो हमें ऐसे चीज़ों का चयन करना है कृषि में कि जिसकी मांग लगातार बनी रहे जी और इसमें हम जो है एक तरह से वातानुकूलित या एक संरक्षित माध्यम दे के भी इन खेतियों को शहरों में बढ़ावा दे सकते हैं तो किसान भाइयों हमने जाना जलवायु परिवर्तन के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया था जलवायु परिवर्तन एक विकट समस्या है ऐसे में यदि शहरी क्षेत्र के किसान आसपास के किसान जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर खेती करें तो उस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं इसके अलावा किसान भाइयों का आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर भी सुधरेगा किसान भाइयों एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर कृषि को उन्नत खेती में बदलने की जरूरत पंचायत विभाग देखेगा उद्यानिकी योजनाएं सरसों की उन्नत खेती अरहर की फसल को इल्लियों से बचाएं और रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण और अब खबरें विस्तार से कृषि को उन्नत खेती में बदलने की जरूरत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश आसानी से पार पा सकता है आज अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में हम दुनिया के पहले या दूसरे स्थान पर हैं इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं श्री तोमर ने यह बात एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसओच द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और कृषि सामग्री एकीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली कही श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र जितना मजबूत व फायदेमंद होगा देश उतना मजबूत होगा नर्सरियों के विकास और माली ट्रेनिंग सहित उद्यानिकी विभाग की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समन्वय करेगा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और उद्यानिकी विभाग के समन्वय के संबंध में अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बैठक की श्री कुशवाहा ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों के विकास की और माली प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास विभाग सहयोग कर सकता है उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उद्यानिकी के क्षेत्र में दोनों विभाग के समन्वय से किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार करें प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी समय से करने से पहले अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है उचित समय पर बोनी करने से उत्पादन तो अधिक होता ही है साथ ही साथ फसल पर रोग व कीटों का प्रकोप भी कम होता है सरसों की बुआई का उचित समय असिंचित क्षेत्र हेतु 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एवं सिंचित क्षेत्र हेतु 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक उपयुक्त है सरसों की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए सरसों की बोनी सी ड्रिल से कतारों में करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर एवं बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा न बोए मध्य प्रदेश के लिए सरसों की उन्नत किस्में जैसे जवाहर सरसों दो जवाहर सरसों तीन राज विजय सरसों दो एन आर सी एच बी एक सौ एक पूसा सरसों इक्कीस पूसा सरसों सत्ताईस आर जी एन तिहत्तर माया पूसा अग्रणी रोहिणी एवं स्वर्ण जयंती प्रमुख है अरहर की फसल को इल्लियों से बचाए आइए आपको बता दें इस समय अरहर की फसल फूल आने की अवस्था में है एक अनुमान के अनुसार अरहर की फसल में इल्लियों के प्रकोप से 50 प्रतिशत तक उत्पादन में कमी आती है फूल की अवस्था के पूर्व एवं दाने भरने की अवस्था में उचित पौध संरक्षण उपाय अपनाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है इल्लिया फूलों को खाकर एवं छोटी फलियों में छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाती है फली छेदक इल्ली की मादा वयस्क कीट पत्तियों पर सफेद रंग के अंडे देती है इल्लियों का रंग पीला हरा एवं काला होता है इनके शरीर पर हल्की धारियां होती हैं अनुकूल परिस्थितियों में लगभग तीस दिनों में ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं बादल बदली के मौसम में प्रकोप की सघनता बढ़ जाती है नियंत्रण के लिए प्रकोप के प्रारंभिक अवस्था में ट्राइजोफॉस 40 प्रतिशत ईसी मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए फूल एवं दाने भरने की अवस्थाओं में छिड़काव आवश्यक है आइए आगे बढ़ेंगे आपको बता दें रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण प्रमुख रबी फसलें गेहूँ चना मसूर मटर एवं सरसों में खरपतवारों से प्रतिवर्ष उत्पादन को काफी नुकसान होता है यदि खरपतवारों को समय रहते नियंत्रित न किया गया तो ये फसलों से प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल जाते हैं रबी फसलों में प्रमुख रूप से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बथुआ कृष्ण नील जंगली पालक हिरन खुरी चक्री, जंगली गाजर एवं कुल वाले गेहूं सा जंगली जई प्रमुख हैं खरपतवारों के नियंत्रण का सही समय फसलों की प्रारंभिक अवस्था होती है प्रारंभ से ही खरपतवार नियंत्रित कर लेने से फसल उत्पादन के नुकसान को काफी हद तक बचाया जा सकता है खरपतवारों का नियंत्रण यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों विधियों से करना लाभदायक पाया गया है बुआई के 30 से 35 दिन के भीतर गेहूं का खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए इसके लिए टू फोर डी डेढ़ लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले निदा खत्म हो जाते हैं तो किसान भाइयों खबरें खेती में बस इतना ही देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार